भारत कश्मीर के मामले पर कदम उठाकर आलमी सतह पर फंस गया है। भारत जो मर्जी कहता रहे, हकीकत नहीं बदल सकती। वहां इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं LOC पर सिविल आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। कल भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके शदीद एहतजाज किया गया। मसला कश्मीर पर दो तरफा बातचीत से पीछे नहीं हटे। वजीर आजम मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए कोशा है। सरमायाकारी आएगी तो रोजगार आएगा। मुआवन खसूसी फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा तवानाई की वजारत से प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। नदीम बाबर बोले नए सरमायाकारों के रास्ते में तरह तरह की रुकावटें हैं। नई रिफाइनरी लगाने या अपग्रेडेशन पर टैक्स मराद दे रहे हैं। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इमरान खान अब ज़्यादा देर नहीं चल सकता। ये हकीकतन सिलेक्टेड थे और जिस तरह इन लोगों को इकट्ठा रखा गया था, वो अब मुजीद इकट्ठे रह नहीं सकते। इमरान खान ज्यादा देर नहीं चल सकते। 2-3 माह में अहम तब्दीली आने वाली है। अली बाबा 40 चोरों की टीम ने दौलत लूटी। जहांगीर तरीन, फैसल वावडा, परवेज खटक से रिकवरी का वक्त आ गया। लीगी रहनुमा राणा मशहूर का दावा। समा से गुफ्तगु में बोले खारजा पॉलिसी पर मुल्क को तारीखी हजीमत उठाना पड़ी। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो लोकल बॉडीज एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं मेयर साहब से, MQM से, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, फारूक नसीम से सबसे ही इल्तमास करूंगा कि वो हर गलत काम में मुलव्वस है। हम कचरा साफ करते हैं, वो कचरा वहीं लाके डालते हैं। और हम कचरा उठाते हैं, शहरी इंतजामिया वहीं डाल देती है। हम ग्राउंड साफ करते हैं, ये बुलडोजर चला देते हैं। वफाकी वजीर अली जैदी का प्रोग्राम नया दिन में शिकवा। अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम की भी तरदीद। कहा मैं डंपर नहीं चलाता कि कचरा सड़कों पर डाल दूं। भारत कश्मीर के मामले पर कदम उठाकर आलमी सतह पर फंस गया है। भारत जो मर्जी कहता रहे, हकीकत नहीं बदल सकती। वहां इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं LOC पर सिविल आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। कल भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके शदीद एहतजाज किया गया। मसला कश्मीर पर दो तरफा बातचीत से पीछे नहीं हटे। वजीर आजम मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए कोशा है। सरमायाकारी आएगी तो रोजगार आएगा। मुआवन खसूसी फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा तवानाई की वजारत से प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। नदीम बाबर बोले नए सरमायाकारों के रास्ते में तरह तरह की रुकावटें हैं। नई रिफाइनरी लगाने या अपग्रेडेशन पर टैक्स मराद दे रहे हैं। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इमरान खान अब ज़्यादा देर नहीं चल सकता। ये हकीकतन सिलेक्टेड थे और जिस तरह इन लोगों को इकट्ठा रखा गया था, वो अब मुजीद इकट्ठे रह नहीं सकते। इमरान खान ज़्यादा देर नहीं चल सकते। 2-3 माह में अहम तब्दीली आने वाली है। अली बाबा 40 चोरों की टीम ने दौलत लूटी। जहांगीर तरीन, फैसल वावडा, परवेज खटक से रिकवरी का वक्त आ गया। लीगी रहनुमा राणा मशहूर का दावा। समा से गुफ्तगु में बोले खारजा पॉलिसी पर मुल्क को तारीखी हजीमत उठाना पड़ी। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो लोकल बॉडीज एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं मेयर साहब से, MQM से, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, फारूक नसीम से सबसे ही इल्तमास करूंगा कि वो हर गलत काम में मुलव्वस है। हम कचरा साफ करते हैं, वो कचरा वहीं लाके डालते हैं। और हम कचरा उठाते हैं, शहरी इंतजामिया वहीं डाल देती है। हम ग्राउंड साफ करते हैं, ये बुलडोजर चला देते हैं। वफाकी वजीर अली जैदी का प्रोग्राम नया दिन में शिकवा। अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात की भी तरदीद। कहा मैं डंपर नहीं चलाता कि कचरा सड़कों पर डाल दूं।